नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम स्मृति रस्तोगी एंड आई एम संजीव कुमार। जैसा कि आपसे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि इस बार हम ओरल हाइजीन, जो कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है पेट्स के लिए, कि माउथ का स्मेल, माउथ के रिलेटेड इश्यूज, दांत एंड गम से रिलेटेड इश्यूज, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। स्मृति, दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एब्सोल्युटली संजीव, बड़ी लाजमी सी बात है कि क्यों हमको हमारे पेट्स के ओरल हेल्थ कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके ओरल हेल्थ का जो सीधा सा असर होता है वो उनके ऑर्गन्स पर पड़ता है, इंटरनल ऑर्गन्स पर। बैक्टीरिया होते हैं प्लाक में, वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए कैसे उनके हार्ट, किडनी, लिवर, यहाँ तक पहुँच के उनको इफ़ेक्ट करते हैं, बुरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं और फाइनली वो सिक हो जाते हैं। तो ऐसे में कितना ज़रूरी है ओरल हेल्थ कंडीशंस को मेनटेन करना, टाइम टू टाइम चेकअप कराना, अपने वेटनरी से जा कर के एक्सपर्ट सलाह लेकर के आगे बढ़ना, और इन सब चीज़ों पर आज हमारी बात होगी। और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, आइए हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अमित खजूरिया, ही इज अ वेटनरी एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, वेलकम। एंड वी हैव मालबिका सेन, आई गेस आई एम बेटर नोन एज माला सेन, शी इज बेटर नोन एज माला सेन, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर वॉलंटियर, अडॉप्शन वॉलंटियर। यस, सो नाउ यू हैव वर्कड सो मच विद पेट्स दैट यू आर पेट एक्सपर्ट देयर एज वेल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। संजीव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यू टू। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक और खास हमारे कंपेनियन हमेशा की तरह मौजूद हैं। माला, आप इनका इंट्रोडक्शन दीजिए। सो दिस इज पेपर सेन, पेपर लुक पेपर, दिस इज पेपर सेन। He is a very special boy. Hmm. He is a rescue, and it's not even a year that we found him on the streets. ये एक गाड़ी के नीचे था and वो stray dogs उसको attack कर रहे थे, तो इसको जैसे rescue करके एक one of the adoption volunteers इसको rescue किए और वो घर लेके गए। तो इसके बॉडी में ना पूरा मार्क्स, बाइट मार्क्स थे और ही वाज कवर्ड विद फ्लीज एंड टिक्स एंड ही वाज वेरी वेरी ट्रॉमेटाइज्ड। बट व्हाट ब्यूटीफुल केयर यू हैव टेकन। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी। हैंडसम डूड ओवर देयर। आई गिव क्रेडिट, फुल क्रेडिट टू माय हस्बैंड। क्योंकि डॉक्टर साहब, हमारी बात हो रही है ओरल हेल्थ कंडीशंस की, तो क्या ऐसे प्रिलिमिनरी प्राइमरी जो साइंस होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि अब हमारे पेट्स को ओरल कंडीशंस को लेकर के एक वेट के पास जाना बहुत ज़रूरी है? सी, द ओरल हेल्थ इज़ द वन एरिया विच इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड एरिया बाय द पेट ओनर्स, एंड ये जो एरिया है इसमें फोकस करने के लिए दे नीड टू बी वेरी विजिलेंट कि उनके पेट के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले जो उनके बैड ब्रेथ होती है, सो दैट इज द फर्स्ट साइन कि उनमें प्लाक डिपॉजिट हो रहा है, दांत डिपॉजिट हो रहा है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि पेट खाना छोड़ सकता है, जिंजिवाइटिस हो जाता है, सलाइवा ड्रूलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इस ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये इग्नोर नहीं करने चाहिए, एंड पेट ओनर शुड ऑलवेज कंसल्ट अ वेट इमीडिएटली। सी बेसिकली, जैसा कि हम हमेशा बात करते आए हैं, सी राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब आप एक पेट ले रहे हैं, एक पपी लेके आ रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसी समय से अगर आप इन चीजों पे ध्यान दें, एंड दर्शकों से ऑब्वियसली मैं शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम डिस्कशंस तो इस पे जारी रखेंगे, लेकिन टाटा डिपॉजिट ना हो उसके लिए प्रिकॉशन स्टार्टिंग से लेना चाहिए, एंड रॉहाइड च्यूज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन गिव योर पेट्स। सॉफ्ट वाले च्यूज मत लेके आइए, आप हार्ड च्यूज जितना देंगे तो वो च्यू करेंगे, एंड इस प्रोसेस में स्मृति ऑब्वियसली दे डू नॉट डेवलप टाटा, और दे डेवलप वो फिर टेक ऑफ हो जाता है। माना आपने जो भी अडॉप्शन पे काम किया है, कभी ऐसा कोई केस आया जैसे स्मृति बोल रही है कि बैड ब्रेड, बैड ओदर, एंड इस वजह से कोई अडॉप्शन के लिए मना कर रहा हो? You know, I am very lucky with pedigrees. Okay. Pedigrees काफी are abandoned, or you know, there's rehoming required. Right. So most of them are good, in good condition. जी. तो इनका अभी तक कोई problem नहीं हुआ है, but we advise that you know they are given raw vegetables like hard ones, carrots, beetroot, apples. I think जिनको basically उनको chew करना पड़े, मतलब उनको effort लगे basically. Yeah. And then of course you know we do advise them that आप डॉक्टर के पास एक बार उनका पूरा इंजेक्शन का वो जो चार्ट होता है to maintain that, that's very important. जैसे आपने बताया कि हार्ड च्यूज देने चाहिए, सो आई फील कि एक ब्रशिंग का आदत भी डालना चाहिए। वंस द पपी इज अराउंड से 2 to 3 months ओल्ड, उसके बाद एक नॉर्मल ब्रशिंग का आदत डालना चाहिए। लेट द पेट गेट यूज टू इट, वीकली गेट इट डन वंस और ट्वाइस,
तो आई थिंक दैट विल मेंटेन द ओरल हाइजीन बेटर. इन केस डॉक्टर साहब अगर इनिशियल हम देख रहे हैं प्लाक लगना शुरू हो गया है, तो अगर हम घर के अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो किस तरीके से एक पेट ओनर या पेट पेरेंट उस लेवल पे जाकर क्या उस तरीके से जाकर के केयर कर सकता है कि इनिशियल प्लाक घर पे ही कैसे ट्रीट किया जाए. जैसे संजीव सर ने बताया कि वी कैन गिव हार्ड च्यूज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ड च्यूज तभी काम करती है व्हेन योर पेट इज eating on the both the sides. अगर एक साइड chew कर रहा है एक साइड में डिपॉजिट होता रहेगा. सो उस केसेस में उन केसेस में आपको दोनों साइड उसको आदत डालनी चाहिए chew करने की. सेकेंडली जैसे मैंने आपको ब्रशिंग के लिए बताया, अगर प्लाक डिपॉजिट है इफ यू स्टार्ट ब्रशिंग एट दैट टाइम ऑल्सो तब भी जो प्रॉब्लम्स हैं तातर एक्युमुलेशन की वो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ. थर्ड इज आप रोप टॉयज आते हैं, रोप टॉयज पे पीनट बटर लगा के आप उनको दे सकते हैं. अगर आपका पेट इज नॉट यूज टू ब्रशिंग तो इनिशियली आप एक मस्कुलिन क्लॉथ लेके उसको एक से चिकन ब्रॉथ लेके उसको उसके मुंह पे अच्छी तरह से उसको क्लॉथ से ही रब कर सकते. Right. तो थोड़ा सा मोशंस आप डॉक्टर से सीख लें किस तरह से. इसलिए डॉक्टर मैंने एक चीज और नोटिस करी है, द रॉ हाइड बोन्स जो कि कमर्शियली प्रिपेयर्ड होते हैं. बिल्कुल कमर्शियली प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन उसमें कई बार गलती क्या होती है दर्शकों से या जो सुनने वाले हैं कि आप अपने पेट के साइज के हिसाब से ही बोन्स खरीदें. ये नहीं कि आपने कोई भी बोन ले लिया, एक छोटी ब्रीड जैसे हमारे यहाँ डैशन बैठे हुए हैं इसमें, तो डैशन को उसके साइज के हिसाब से आप बोन्स देंगे तो वो एफर्ट लगाएगा. अगर आपने उसको एक बड़ा बोन दे दिया तो वो देखेगा भी नहीं एंड ही विल गेट टायर्ड एंड नॉट रियली एक्सरसाइज. राइट डॉक्टर? यस यस एब्सोल्युटली. तो साइज मैटर्स कि किस तरह का आप च्यू दे रहे हो. कुछ सॉफ्ट च्यूज आते हैं, दे आर नॉट गुड, वो दे आर गुड बट अप टू सम एक्सटेंट. हम माला बैड ब्रेथ के बारे में अभी बात कर रहे थे कि वो भी एक मुझे लगता है इनिशियल एक इंडिकेटर होता है. तो अगर ये बैड ब्रेथ आप नोटिस कर रहे हैं एक हफ्ते से डेवलप हो रही है या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में घरेलू नुस्खों पे ही मैं जोर दूंगी अभी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं टूथपेस्ट यूज करती हूँ एक्चुअली, और उससे भी अगर नहीं जाता है देन आई हैव टेकन द पेट. राइट, सो आई गेस स्मृति एक फ्रॉम द ग्रूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि ग्रूमर्स क्या रिकमेंड करते हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पैकेज क्रिएट किया हमारी टीम ने. आइए वो देखते हैं. डॉग की टीथ क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए डॉग के टीथ क्लीन नहीं है तो उनको उनके स्टमक रिलेटेड भी डिजीज़ हो सकती है. ये अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है लेकिन ऐसा है. जो नेचुरली इनका क्लीनिंग का तरीका होता है कि आप उसको हार्ड चीज़ें दे सकते हैं, जैसे डेंटल स्टिक्स आती हैं या डेंटल बोन्स आती हैं, रेगुलर बेसिस पे आप च्यू करने के लिए दे सकते हैं. तो उससे क्या होगा, उनके दांतों में प्लाक नहीं इकट्ठा होगा. दूसरा आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप उसकी टूथब्रश उसको यूज़ कर सकते हैं पेस्ट के साथ. तो आपको ह्यूमन टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना है, आपको वही टूथपेस्ट यूज़ करना है जो कि पेट्स के लिए डॉग्स के लिए स्पेशली फॉर्मुलेटेड होता है. इसके अलावा उनकी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए माउथ स्प्रेज भी आते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. ये लो. गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा. 20% लॉटरी लगी तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले. वो तो आपके हाथ में ना. 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा. बात तो वही है ना. PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें. पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी. पवन आ गया. पवन वहाँ क्यों बैठा है? पता नहीं, तुझे उसे टीबी है. लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले. पता है ना मुझे टीबी है. चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता. टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ज
जो ग्रूमर्स हैं किस तरीके से केयर करते हैं और क्या कुछ करते हैं ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में। डॉक्टर साहब, ओरल हाइजीन की बात जब होती है तो एज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कभी कभी ये ओरल हाइजीन एज के साथ डिटीरोरेट करती जाती है, तो ऐसे में क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं हमारे पेट्स के साथ? See, when your pet turns around 2 to 3 years old, plaque deposit होना शुरू हो जाता है। जब लेकिन when your pet turns say around 5-6, काफी तातर accumulate हो गया होता है। At that time, you should always consult your vet. और अगर accumulate हो गया है, he'll suggest you scaling. Scaling करवाइए, gingivitis से बचिए। Gingivitis अगर एक बार हो गया, तो उसको treat करना it's a recurrent problem. वो बार-बार होती रहेगी। Scaling कराने से ही वो ठीक होगा। और उसके बाद आप you just focus on कि क्या अभी आगे precautions लेने हैं। अगर एक बार आपने scaling करवा दिया, तातर खत्म हो गया, gingivitis ठीक हो गया, उसके बाद आप regular brushing, hard chews, rope toys दे दीजिए। Toothpaste जैसे मैम बता रहे थे, toothpaste use करना है, लेकिन सिर्फ वो toothpaste जो डॉग्स के लिए बना exactly. है, नॉट जो ह्यूमंस के लिए बना। ये बहुत बड़ा टेक अवे है क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि ब्रीड्स का भी वेरिएशन होता है ओरल हेल्थ। डेफिनेटली होता है, ब्रीड्स पे इसलिए वेरी करता है, कुछ जैसे बड़े डॉग्स होते हैं वो हार्ड चीजें बहुत ज्यादा च्यू करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स कम होती हैं। छोटे जो होते हैं उनको हम सेमी सॉलिड फूड खिला रहे हैं, सॉफ्ट फूड खिला रहे हैं, उनको बहुत जल्दी एकोमोलेशन होता है तातर का, स्पेशली शिट्जूज, लासा एप्सोज, इवन डैशंट्स, तो इनको बहुत जल्दी एकोमोलेशन होता है। आई नॉट से प्लैक, प्लाक तो पता ही नहीं चलता, प्लाक के बाद जो तातर एकोमोलेशन। और डाइट का भी मैं पूछना चाहूंगी कि डाइट कितनी एसेंशियल है, कि ओरल हेल्थ के लिए डाइट क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, किस तरीके का खाना उनको दें ताकि उनकी ओरल हेल्थ मेंटेन रहे। स्पेशली डिजाइन किबल्स भी आते हैं जो डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो वो आप, देयर आर ऑलवेज रिकमेंडेड चॉइस ऑफ अ वेट, बट कुछ लोग जो हैं घर का खाना खिलाना चाहते हैं, सो हम उनको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा हार्ड खाना खिलाओ। हार्ड जब वो च्यू करेगा दांतों के साथ, हमेशा गम्स का एक्सरसाइज हो जाएगा, गम का एक्सरसाइज होता है, हार्ड फूड जो होता है वो क्लीनिंग में थोड़ी सी हेल्प करता है। डॉक्टर, आपका एक्सपीरियंस अभी तक जो रहा है, जैसा आप बोल रहे थे कि लोग इग्नोर करते हैं, और या इसको इस तरीके से बोला जाएगा कि लोग सोचते ही नहीं है इस बारे में, नहीं सोचते, दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि मतलब गम्स का, टीथ के लिए हमारे को कुछ केयर करना है, बट यू नो दिस गेट्स इग्नोर्ड समहाउ। तो व्हाट्स योर एडवाइस, अगर हम एक दर्शकों को ये बोलना चाहें कि ये चीज के ऊपर ध्यान दें आप, तो किस एज से ध्यान देना शुरू होना चाहिए या स्टार्टिंग से ही होना चाहिए? जी, अगर आपका पपी है तो स्टार्टिंग से होना चाहिए, जैसे मैंने बताया 8 to 12 वीक्स इज द एज जब आपको उनको ब्रशिंग की आदत, चूज की आदत डालना शुरू कर देना चाहिए। अगर वहाँ अगर आपको नहीं पता था, आप इग्नोर कर चुके हैं, एंड यू हैव रीच द एज जहाँ 5-6 साल हो चुके हैं, प्लाक डिपॉजिट हो चुका है, तातर अकोमोलेट हो चुका है, कंसल्ट योर वेट, स्केलिंग करवाइए, उसके बाद जैसे स्टेप्स हमने पहले बताए उनको फॉलो कीजिए। एक और हमारा स्पेशल सेगमेंट है, मेक ओवर टाइम का हमारा सेगमेंट है, जिसमें आज हम दिखा रहे हैं कि साइबेरियन हस्की की ग्रूमिंग कैसे होती है, आइए देखते हैं। जब मैं इसको फर्स्ट टाइम लेकर आया था तो ही वॉज लाइक दिस स्मॉल, बहुत छोटा सा था ये, एंड ही वॉज अंडर वेट, थोड़ा वीक था जब हम इसको लेकर आए थे। तो द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई ब्रॉट हिम इन, ही कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन हिज फीट। द ओनली थिंग दैट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम अपार्ट फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड इज दैट ही विल नॉट जज मी फॉर वट एवर आई डू, एंड ही विल स्टिल कीप लविंग मी despite every flaws and every mistakes that I made. Originally ये breed काफ़ी ठंडी जो टेम्परेचर वाली कंट्रीज होती है उसको बिलोंग करती है। इसका नाम ही इनफैक्ट साइबेरियन हस्की है, क्योंकि यहाँ वो बहुत ही माइनस में जहाँ टेम्परेचर होता है उस जगह को ये ब्रीड बिलोंग करती है। In the initial stage it was very hard for them to survive,
बिकॉज ऑफ द समर इशूज एंड द हीट इशूज इंडिया में, बट जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई वो इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली अडाप्ट होते रहे। आज हम यहाँ पर साइबेरियन हस्की की ग्रूमिंग करने वाले हैं और इसका नाम सिम्बा है और ये अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स का है। सबसे ज़्यादा एनर्जी सुबह सुबह होती है, घर में इधर से उधर भागना, एंड द मोमेंट आई पिक अप माई कार्स कीज ही नोज दैट आई एम टेकिंग हिम फॉर अ वॉक, देन ही वोंट जस्ट लीव मी। तो इसको आप हर वीक बात दीजिए अच्छी तरीके से और उसको पूरा ब्लो ड्राई कर दीजिए। कोट अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, उसमें प्रॉपर शैम्पू और कंडीशनर लगे, लेकिन उसके कोई ट्रेसेस उस पर ना रह जाए, क्योंकि अगर गलती से भी मॉइस्चर रहता है तो वो लॉन्ग कोट के कारण सूख नहीं पाएगा और उसमें फिर काफ़ी सारे इन्फेक्शन या माइक्रोबियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। उनको इनके कानों को पानी से बचाना होता है, तो सबसे पहले हम उसके कानों में हम जो वैसलीन या पेट्रोलियम जेली होती है वो लगाकर हम उसके कॉटन से उसके कानों को क्लोज कर देते हैं, ताकि किसी भी तरीके से जब हम उसको शावर कर रहे हैं तो पानी उसके कानों में ना जाए। शैम्पू करने के पहले एक बार ब्रशिंग कर देंगे अच्छी तरीके से, ताकि उसमें अगर डर्ट्स वगैरह जो भी होंगे वो थोड़ा सा निकल जाए। तो एक बार शैम्पू अप्लाई किया, उसके बाद थॉरो उसको रिंस किया, फिर सेकेंड टाइम शैम्पू अप्लाई किया, उसको भी पूरा अच्छी तरीके से रिंसिंग कर दिया, देन हम उसको कंडीशनिंग करते हैं, उनके हेयर्स को कंडीशन करते हैं ताकि ड्राइनेस ना रहे। टॉवल से हम पैड ड्राई करते हैं पहले, उसके बाद टेबल में उसको लाकर फिर उसको हम उसको अच्छी तरीके से जो हमारा ड्रायर है, जो हमारे पास बिग ड्रायर्स होते हैं उससे हम उसको सुखाते हैं। साइबेरियन हस्की को सुखाना ही अपने आप में काफ़ी लंबा टास्क है और वो बहुत ज़रूरी भी है, तो वो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो समर सीज़न है ये टिक सीज़न का भी स्टार्ट होता है, तो ये जो हाइजीन एरियाज़ हैं ये ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, यहाँ पर टिक्स आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, कई बार टिक फीवर फेटल भी हो सकता है, तो वो चीज़ का भी आपको इस सीज़न में ध्यान रखना है। बरसाता आसमान और आफत में बेजुबान, भीषण गर्मी और जोखिम में पशु की जान, लू लगने से कहीं पशु ना हो जाए कमजोर, कैसा हो प्रबंधन करें इस बात पे गौर। देखिए पशुओं में हीट स्ट्रेस, लक्षण और बचाव, अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक। जैसा कि आपने देखा कि कितनी अच्छी तरह से ये ग्रूमिंग प्रोसेस था, एंड ग्रूमिंग इज आल्सो आई मीन हाइजीन का एक वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स इज ग्रूमिंग, एंड दांतों के ऊपर हम जैसे बात करते हैं आगे आपसे बढ़ते हैं कि जब आप एडॉप्शन के केसेस में आप पेट्स को अडॉप्ट कराते हैं उनमें आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, और उनका अगर एज हमारे को जज करना हो तो एज कैसे जज कर पाते हैं आप? एज जज होता है इनके दांत से, सो दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ हाउ ओल्ड द पेट कुड बी, कुड बी बिकॉज वी फाउंड हिम ऑन द स्ट्रीट्स एंड वी डो, ऑफ कोर्स इट्स इफ इट्स बीइंग रीहोम्ड वी नो, बट इफ इट्स अ रेस्क्यू लाइक इन केस ऑफ पेपर वी टुक हिम टू द वेट and that's where we got to know he is almost 5 between 4 and 5,
So it was very interesting. This April on the 1st, we celebrated his 5th birthday. Doctor sahab, aapse puchungi ki koi aisa incident, जब आप ओरल हाइजीन का कोई ऐसा केस ट्रीट कर रहे हों जो आपको लगे कि इस मंच पर आपको हमारे साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है और जो एक्सपीरियंस है वो आम जनता तक भी पहुंचे, वो लोगों तक भी पहुंचे, व्यूअर्स मैं आपको रिसेंट केस बताता हूं, एक बीगल आया था मेरे पास एंड ही वाज नॉट ईटिंग फ्रॉम पास से 8-9 डेज और बहुत पेनफुल कंडीशन में था, सलाइवेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, ओनर को टच करने नहीं दे रहा था एंड उन्होंने काफ़ी होम रेमेडीज ट्राई किया, पेन किलर्स घर में ही दिया लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा. देन ही केम टू अस, मैंने उसको जब देखा एंड फर्स्ट जब उस आई कुड स्मेल हिज ब्रेथ, इट वॉज द वर्स्ट. देन मैंने उनको सजेस्ट किया कि मुझे एक बार इसको एग्जामिन करना है एंड आई नीड टू सीडेट हिम, राइट, क्योंकि वो ऐसे हाथ नहीं लगाने दे रहा था. आफ्टर सीडेटिंग हिम मैंने जब उसका हाइजीन देखा, ओरल हाइजीन, यू वॉन्ट बिलीव, इतना गंदा तातर अकोमोलेशन मैंने अपने 11 साल के एक्सपीरियंस में देखा नहीं. व्हाइल आई वाज डूइंग द स्केलिंग आई फाउंड आउट कि उसमें बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो चुका है टीथ का, डिटेरियरेट हो चुके थे, डिटेरियरेट हो चुके थे. आई हैड टू एक्सट्रैक्ट अराउंड 21 टीथ. ओह गॉड. एंड उसके बाद उसका जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम हो गया. देन विद द एंटीबायोटिक्स एंड सम मल्टीविटामिंस ही बिकेम एब्सोल्युटली फाइन. राइट, ही इज कमिंग आफ्टर 2 months इनटू माय क्लिनिक एंड ही इज नॉट एन ऑल एन एग्रेसिव डॉग, ही हैज बिकम हेल्दियर देन द नॉर्मल. आज हमारे शो का इतना एक खूबसूरत टॉपिक है, एक नया मुझे लगता है एक स्टडी रहेगी हमारे व्यूअर्स के लिए भी अपने पेट्स को लेकर. तो एक मिथ बस्टर का जो हमारा सेगमेंट है वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है जिसमें हम तमाम ऐसे मिथ्स होते हैं उनको बस्ट करने का हमारा प्रयास होता है और आपको सच्चाई फैक्ट्स पहुँचाने का हमारी कोशिश रहती है. ओरल हाइजीन को लेकर आज भी हमारे पास एक बहुत खूबसूरत पैकेज है मिथ बस्टर में, आइए नज़र डालते हैं. There's no need to brush your pet's teeth. It's a myth. Did you know 80% of dogs suffer from dental disease? And at least 61% of dog parents say they never brush their dog's teeth. Brushing your pet's teeth might sound silly, but it's one of the best things for their health. हम इंसान दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करते हैं और फिर भी कितनी बार हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं. तो सोचिए हमारे पेट्स के लिए भी ओरल हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट होती होगी. ओरल हाइजीन को इग्नोर करने से पेट्स कम उम्र में पीरियोडेंटल डिजीज के शिकार हो सकते हैं और अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो पेट्स कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम टूथ लॉस. नॉट जस्ट दिस, इट कैन फर्दर लीड टू परमानेंट जॉ डैमेज एंड हार्ट डिजीज. अगर आप आपके पेट को ब्रश करना पसंद नहीं करते हैं तो आप इन विकल्पों को भी चुन सकते हैं, टूथ वाइप्स, dental treats or professional cleaning. So focus on your pet's oral hygiene from today. Smriti, this has always been a very, very beautiful thing and praised. मतलब हमारे दर्शकों काफी calls भी आते हैं and mails पे भी उन्होंने appreciate किया है ये mythbuster segment. हमारी जो team का प्रयास है, मुझे लगता है कि camera के पीछे जो team लगातार काम करती है तमाम एस्पेक्ट्स पे काम करने का, उनको जरूर सराहना मिलनी चाहिए. दे शुड डेफिनेटली बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस. सो यू नो या दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. एब्सोल्युटली. सो माना जैसे कि आप इतने अडॉप्शंस पे अभी तक काम कर चुके हैं एंड आई एम श्योर कि अब आज से जो भी अडॉप्शंस होंगे ओरल हेल्थ के बारे में भी आप गाइड करेंगे. लेकिन अगर आप लास्ट 4-5 पॉइंट्स अडॉप्शंस के रिलेशन में कि जो आप ध्यान में लेते हैं पेट को अडॉप्ट कराने देते हैं वो अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें एंड ताकि उनकी भी एक नॉलेज बढ़े जब वो अडॉप्ट करना चाहें. सो व्हाट इज योर टेक एट दैट. आई एम नॉट टू फसी अबाउट फर्स्ट टाइम, यू नो एवरीबडी वांट्स टू नो वेदर दे हैड पेट्स बिफोर. मेरे लिए वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इवन आई नेवर हैड अ पेट. देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम. देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम. सो इट इजंट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी लर्न फ्रॉम द एनिमल. My life changed because I was adopted by a Dachshund. Right. And it's been such a lovely way to put that. Absolutely. It's been a beautiful journey since then. As you said, I boast now about the number of adoptions I've done, which is the last adoption was done about 2 weeks ago and it's 303. So it's a first time and that's one of the points I look for. And then I see I don't normally do house checks. Because I always get pedigree adoption karati hoon, to references mil jate hain. Jisko zarurat hai,
और उनके साथ फ़ोन पे ही एवरीथिंग इज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड. आज आज ये पूरा जो अडॉप्शन लाइव मेरा जो जर्नी रहा है वो पूरा टेक बेस्ड था. एंड इट हैज़ बिन कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, हाउस चेक, टीम नहीं है. मैं आई एम अ स्टैंड अलोन केस वॉलंटियर. सो मुझे लगता है दैट वो वाइब्स आ जाते हैं. बिल्कुल, आपको बिल्कुल, पता बिल्कुल. चल जाता है किस घर में यू एबल टू सेंस. आप बात भी करते हैं, इंटरेक्शन आपका डेफिनेटली होता है. एक्सपीरियंस तो स्मृति, ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आज तक हम बात करते रहे हैं स्ट्रीट पेट्स, इंडी पेट्स को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है अबैंडन्ड पेट्स. सो ब्रीड डॉग्स भी होते हैं, इंडीज भी होते हैं. सो यू डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब. आई एम श्योर कि अगली बार हम मिलेंगे आपसे और कुछ हंड्रेड्स ऐड हो गए हो. एंड स्मृति, हमारी टीम ने एक फोटोग्राफ जो कि आते हैं उसको सॉर्ट आउट करके, यू नो, वी हैव गॉट द फोटो ऑफ द वीक एंड लेट्स हैव अ लुक एट दैट प्लीज. What a beautiful Absolutely. Photograph. That's Mike, I guess. Mikey with the small child. Small child. Doing that dog riding. Absolutely. It's a cute one. और मुझे लगता है कि बचपन से ही अगर ये ऐसा एक्सपोजर मिल जाए, अगर छोटे बच्चों को डॉग्स के साथ ही, पपीज़ के साथ ही उनको ग्रो कराया जाए, तो मुझे लगता है कि जो उनकी ग्रूमिंग होती है एज अ चाइल्ड, मैं बात अभी पेट्स की नहीं कर रही हूँ, मैं एज अ चाइल्ड बात कर रही हूँ, वो भी एक बहुत अलग लेवल पे होती है. Right. थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच माला फॉर जॉइनिंग अस टुडे. और मुझे जो हमारे व्यूअर्स को इतना अच्छा एक व्यू पॉइंट मिला है ओरल हेल्थ हाइजीन को लेकर हमारे पेट्स के लिए, मुझे लगता है कि ये सराहनीय. इट इज डेफिनेटली वील अपलॉड यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड कमिंग टू आवर शो टुडे. एंड थैंक यू सो मच फॉर संजीव फॉर बींग अ वंडरफुल को होस्ट. थैंक यू सो मच. और हमारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आपके पेट्स की जो कुछ भी पिक्चर्स, फनी वीडियोज हों, आप हमें ईमेल कर सकते हैं. और हमारे आपका कोई फीडबैक या सजेशन भी हो हमारे शो को लेकर, आप उसके लिए भी हमें ईमेल कर सकते हैं. हमारी ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com. डिस्कशन हम आपके साथ जारी रखना चाहेंगे. एक और एस्पेक्ट, जैसे आप इन्फेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, सो नाउ वी आर एंटरिंग द समर फेज एंड वी विल ब्रिंग अक्रॉस द अदर टॉपिक टू यू ऑन द अदर साइड नेक्स्ट वीक, जो कि हम बात करेंगे आपसे इन्फेक्शंस एंड स्किन रिलेटेड इश्यूज एंड द केयर रिक्वायर्ड फॉर इट. Till then, love your pets, respect them, live life, best friends forever. बड़ी ब्रीड का जब हम ग्रूमिंग करते हैं घर पर, तो कई बार लोग अपने घर पर सुखा नहीं पाते हैं. तो सबसे ज़्यादा तो उनको ये ध्यान रखना है कि शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर करना है, ताकि उनकी स्किन एकदम ड्राई ना हो जाए. और दूसरी बात, उसको अच्छी तरीके से उसको सुखा देना है, ताकि कोई भी मॉइस्चर का कंटेंट ना रहे. कि जब आपका खुद का बेटा होता है, द वेरी फर्स्ट थिंग्स दैट यू हैव इन योर माइंड इज कि हम इसकी वैक्सीनेशंस टाइम पे करवा दें, ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो. एंड